मेल्टिंग पॉइंट में ना एक बात होती है, सिमिट्री इंक्रीजेस मेल्टिंग पॉइंट, ये बात ध्यान रखना। अगर आपको दो आइसोमर्स दिए हुए हैं, ठीक है, दो आइसोमर दिए हुए हैं, उनमें से एक सिमिट्रिक है, एक उतना सिमिट्रिक नहीं है, तो ज्यादा सिमिट्रिक होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। रीजन सुनो क्या है, देखो ये जैसे एग्जांपल, ये देखो, आउट ऑफ ऑर्थो एंड पैरा डाइब्रोमो बेंजीन विच वन हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट एंड व्हाई। ये ऑर्थो डाइब्रोमो बेंजीन है, ये पैरा डाइब्रोमो बेंजीन है। अब एक बात बताओ, अगर आपको मैं ये दो ब्लॉक्स दे दूं, ये दो ब्लॉक्स दे दूं, ठीक है, मतलब इस तरह के बहुत सारे ब्लॉक्स दे दूं और इस तरह से के बहुत सारे आपको ब्लॉक्स दे दूं और आपको बोलूं आप इसको अरेंज करो, तो ज्यादा अच्छे से इंटरलॉकिंग किसकी होगी, वन की या टू की? इंटरलॉकिंग किसकी अच्छे से होगी? टू की अच्छे से इंटरलॉकिंग हो जाएगी ना, पैकिंग करनी है आपको तो ऐसे ऐसे पैक हो जाएंगे अच्छे से, नहीं अच्छे से नहीं पैक हो जाएगा ये ऐसे अच्छे, और ये तो पैक अच्छे से हो ही नहीं पाएगा ना, बी आर बी आर, दूसरा कैसे रखोगे ऐसे, बी आर बी आर, मतलब ये पैक तो हो ही नहीं रहा अच्छे से, इंटरलॉक तो हो ही नहीं रहा, समझ में आ रही बात है? इनकी इंटरलॉकिंग क्या है, ज्यादा अच्छी है, और सॉलिड्स में तो इंटरलॉकिंग ही होती है ना। देखो एक ध्यान रखना, मेल्ट कौन करता है, सॉलिड से लिक्विड, इस प्रोसेस को बोलते हैं मेल्टिंग। तो मेल्ट तो सॉलिड करेगा ना, और सॉलिड में क्या होती है, पैकिंग, सॉलिड में पैकिंग होती है, लिक्विड में नहीं पैकिंग होती, लिक्विड में तो मॉलिक्यूल स्लाइड कर सकते हैं एक दूसरे के ऊपर, लेकिन सॉलिड में क्या होती है, पैकिंग होती है। तो जो अच्छे से पैक हो सकता है उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, जो अच्छे से इंटरलॉकिंग कर सकता है, और कौन अच्छे से इंटरलॉकिंग करेगा, जो सिमेट्री कर ले, समझ आ गया? तो मेल्टिंग पॉइंट में ध्यान रखना, आइसोमर्स के लिए है ये, मॉलिक्यूलर मास सेम होना चाहिए तब लगेगा ये। चलो देखो तो क्या है इसका आंसर, पैरा डाइब्रोमो बेंजीन फिट्स बेटर इनटू क्रिस्टल लैटिस, लैटिस मतलब रेगुलर थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट, उसको लैटिस कहते हैं। तो इसकी फिटिंग ज्यादा अच्छी होती है क्योंकि वो सिमेट्रिकल, ये मिटा दूं मैं, बिकॉज ऑफ इट्स सिमेट्रिकल नेचर, हेंस इट हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट देन ऑर्थो डायग्रोमो बेंजीन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल हैव हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट एंड व्हाई। इनमें से सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा, सबसे पहले चेक करो ये सारे के सारे आइसोमर्स हैं करेक्ट, अब इसमें से सिमेट्रिक सबसे ज्यादा सिमेट्रिक कौन है, ये वाला, इसकी पैकिंग अच्छे से होगी, ये ज्यादा सिमेट्रिक है इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। अमंग आइसोमरिक कंपाउंड्स सिमेट्रिक कंपाउंड्स हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट बिकॉज सिमेट्रिक कंपाउंड्स फिट बेटर इनटू क्रिस्टल लैटिस, सो कंपाउंड टू हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट।